हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। किसी भी देश के विकास में कला का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी आर्थिक सामाजिक गतिविधियों में संस्कृति एवं रचनात्मकता का समावेश होता है। विविधताओं का देश भारत, जो अपनी विभिन्न संस्कृतियों के लिए जाना जाता है, तो आज हम भारत के अलग अलग शैलियों की पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। वर्ली पेंटिंग, ये आदिवासी कला की एक शैली है जो ज़्यादातर भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। ये महाराष्ट्र में उत्तर सह्याद्री रेंज में आदिवासी लोगों द्वारा बनाई जाती है। इस रेंज में तलासरी, मोखदा और विक्रमगढ़ जैसे शहर शामिल हैं। इस आदिवासी कला की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी, यहाँ आज भी इसका प्रचलन है। महाराष्ट्र में वर्ली पेंटिंग की परम्परा चित्रों की लोक शैली के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। ये कला आदिवासियों के जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। इन चित्रों में मुख्यतः फसल पैदावार, ऋतु, उत्सव और जन्म और धार्मिकता को दर्शाया जाता है। यह कला वर्ली जनजातियों के सरल जीवन को भी दर्शाती है। पिंगुली चित्रकथी चित्रकला, ये चित्रकला महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कुडाल के पास एक छोटे से गाँव पिंगुली में प्रचलित है। ये कला महाराष्ट्र के ठाकर जनजाति द्वारा बनाई गई एक प्रचलित कला है। ये चित्रकला महाभारत और रामायण की कहानियों पर आधारित होती हैं। गंजीफा आर्ट, ये एक प्रकार का कार्ड गेम है जो फारस और भारत से जुड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी से पहले ईरान में गंजीफा कार्ड के उपयोग के बाद भारत में इनका उत्पादन करने वाला अंतिम देश बन गया। गंजीफा कार्ड आज भी भारत में उड़ीसा राज्य में काफ़ी प्रचलित है। ये कार्ड गोलाकार या आयताकार होते हैं और इन्हें हाथों द्वारा ही बनाया जाता है। गंजीफा खेल मुगल दरबार में काफ़ी लोकप्रिय था, जिन्हें लकड़ी, कागज के गत्ते या कपड़े से बनाया जाता था। आमतौर पर गंजीफा कार्ड कई रंगों के होते हैं। इनके दोनों पृष्ठ अलग अलग रंगों से रंगे जाते हैं और इन पर हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग करने का प्रचलन था। तंजावुर पेंटिंग, ये पेंटिंग दक्षिण भारतीय चित्रकला की शैली है जिसका उद्घाटन तंजावुर शहर से माना जाता है, इसलिए इसका नाम तंजावुर पेंटिंग पड़ा है। माना जाता है कि ये कला 1600 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आई थी और इस पेंटिंग में सोने की कोटिंग होती है, इसलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसे 2007-08 में भारत सरकार द्वारा GI टैग के रूप में मान्यता दी गई थी। इस पेंटिंग को सजाने के लिए कीमती कांच के मोती और सोने का प्रयोग किया जाता है। इस पेंटिंग में मराठा, विजयनगर और यूरोपीय कंपनी की शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इस पेंटिंग में हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पुराणों की आकृतियों के साथ चित्रित किया जाता है। मधुबनी आर्ट, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, ये बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इस चित्रकला को विदेशी पर्यटकों एवं सेनानियों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। 2019 में मधुबनी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग को इसे विश्व कीर्तिमान में शामिल करने का निर्णय किया गया है। प्रसिद्ध रिसर्च कंपनी एवं मार्केट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एवं बामदेव योगा साइंस और रिसर्च सेंटर के अथक प्रयास से यह सम्मान मधुबनी रेलवे स्टेशन स्थित मिथिला पेंटिंग को मिला। पट्टचित्र, जो भारत के उड़ीसा राज्य की सबसे प्राचीन और सर्वाधिक लोकप्रिय कला है, ये कला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल जाती है। ये कला अपने पौराणिक और लोक कथाओं के लिए भी जानी जाती है। ये विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रेरित है। इस पेंटिंग में यूज करने वाले सभी रंग प्राकृतिक होते हैं और आज भी इन पेंटिंग्स को पुराने पारंपरिक तरीके से ही बनाया जाता है। राजस्थानी लघु चित्रकारी की कला का प्रारंभ मुगलों द्वारा किया गया, जो एक भव्य अलौकिक कला को पर्सिया से लेकर आए थे। मुगल बादशाह अकबर ने इस चित्रकारी को काफ़ी बढ़ावा दिया था, इसके लिए उन्होंने एक शिल्पशाला बनवाई थी। भारतीय चित्रकारों ने इस कला को अपने शैली में बनाया, जिसे बाद में राजपूत अथवा राजस्थानी लघु चित्र कहा जाने लगा। इस चित्र को बनाने में खनिजों एवं सब्जियों और सोने चांदी का प्रयोग किया जाता था।
राजस्थान की किशनगढ़ शैली में बनी ठनी पेंटिंग काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। कालमे जुथू आर्ट, ये पेंटिंग फर्श पे बने रंगोली की तरह होता है। इसका प्रचलन केरल में देखने को मिलता है। कलमकारी आर्ट, ये आर्ट आंध्र प्रदेश में काफ़ी प्रचलित है। इस पेंटिंग को सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाकर बनाई जाती है। यह पेंटिंग मुगल काल में दीवारों पर सजावट के तौर पर लगाया जाता था। तो ये थी जानकारी भारत की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स के बारे में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।